अगर आप स्टूडेंट्स हैं तो इस प्रोग्राम को ध्यान से समझें और अपने पेरेंट्स तक पहुंचाएं, और अगर आप पेरेंट्स हैं तो इस प्रोग्राम को ध्यान से समझ करके ज़्यादा से ज़्यादा ज्वाइन करें। काफ़ी सारे लोग ऐसे होते हैं जिनके अंदर होता है कुछ टैलेंट, कुछ कर दिखाने का जज्बा होता है, शिक्षा जगत में, एजुकेशन फील्ड में क्रांति लाना चाहते हैं। वो चाहते हैं आपका बच्चा जिस स्कूल में पढ़ता है उस स्कूल की कुछ समस्याएं हैं उन्हें दूर करना चाहते हैं आप, उस स्कूल को और अच्छा कैसे बनाया जा सकता है, यानी कि टोटली आपका बच्चा जिस स्कूल में पढ़ता है उस स्कूल में काफ़ी सारे प्रॉब्लम्स हैं या कुछ और सुधार करने की ज़रूरत है, आपको लगता है कि ऐसा कुछ है आपके अंदर, आप कुछ कर सकते हैं। लेकिन इसके लिए एक पद की ज़रूरत पड़ती है, आप टीचर हैं तो ये काम कर सकते हैं, आप प्रिंसिपल हैं तो ये काम कर सकते हैं, आप एजुकेशन मिनिस्टर या डिपार्टमेंट में हैं तो ये आप ऐसा काम कर सकते हैं। लेकिन अब दिल्ली सरकार ने आपके लिए बहुत अच्छा एक मौका दिया है जिसमें कि आप शिक्षा जगत में क्रांति ला सकते हैं, अपना नाम कमा सकते हैं, साथ ही आपका बच्चा जिस स्कूल में पढ़ता है उस स्कूल को चमका सकते हैं। तो दिल्ली सरकार का एक प्रोग्राम है जिसका नाम है स्कूल मित्र। जी हाँ, स्कूल मित्र एक ऐसा प्रोग्राम है जिसमें आप पेरेंट्स भाग ले सकते हैं, और अगर आप स्टूडेंट हैं तो आपके पेरेंट्स के अंदर वो टैलेंट है जो कुछ कर दिखाने का हटके हैं, तो ज़रूर आप अपने पेरेंट्स को इन्वॉल्व करें इस प्रोग्राम में हिस्सा बनने के लिए, और अगर आप पेरेंट्स हैं तो इस प्रोग्राम को ज़्यादा से ज़्यादा ज्वाइन करें ताकि आपके स्कूलों की स्थिति दशा में सुधार हो, पढ़ाई और अच्छे से हो, और जो भी बाकी प्रॉब्लम्स हैं वो दूर हो सकें। तो इसके लिए आपको सबसे पहला क्राइटेरिया है कि आपका बच्चा स्कूल में पढ़ता हो, पढ़ती हो, ठीक है। दूसरा है कि आपके अंदर वो टैलेंट हो जो कुछ कर दिखाने का हो। ऐसा नहीं कि आपने स्कूल मित्र ज्वाइन कर लिया लेकिन आप बस सो गए, आपके अंदर कुछ है वो अलग हटके कर दिखाने का, या आप करना चाहते हैं, दूसरे टैलेंट है। तीसरी बात ये है कि आपके पास समय भी होना चाहिए कुछ करने का, आपने प्रोग्राम तो ज्वाइन कर लिया, आपके अंदर टैलेंट भी है, वो जज्बा भी है, लेकिन आप समय ही नहीं दे पा रहे। तो ऐसे में आपके साथ मतलब आप वो तन मन से इस प्रोग्राम का हिस्सा नहीं बन सकते। तो आपका बच्चा अगर स्कूल में पढ़ता है या पढ़ती है, आप लेडीज हैं या जेंट्स हैं, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, आप जरूर ज्वाइन कीजिए। और किसी भी डाउट के लिए अगर आपको कुछ भी सवाल पूछना हो इस प्रोग्राम से रिलेटेड तो मुझे कमेंट कर सकते हैं, और हर नई एजुकेशनल अपडेट के लिए हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए ताकि ऐसी ही जानकारी समय समय पर नई अपडेट आप तक पहुंचती रहे, और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए ताकि उन लोगों तक पहुँचे जो लोग रियली एक्टिव हैं, काम करना चाहते हैं एजुकेशन फील्ड में। धन्यवाद।